गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दैट्स अ नाइन्थ क्लास लर्निंग वीडियो। चैप्टर सिक्स हमारा जोरों शोरों से चल रहा है। जो बच्चे अभी तक चैप्टर सिक्स में थोड़ा पिछड़ रहे हैं, थोड़ा सा अपडेट हो जाए जिससे उनको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो हम लोगों ने 6.2 में लास्ट क्वेश्चन को छोड़कर कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज। आज हम लोग 6.1 करेंगे, स्टार्ट करेंगे और लगभग 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे, जिससे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम आपको अच्छे से समझ में आए। किसी को चैप्टर सिक्स में अभी तक कोई प्रॉब्लम आए तो उसको व्हाट्सएप पे जरूर बताएं, ठीक है। तो हम लोग अपनी बुक में से चैप्टर सिक्स के फर्स्ट क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं और जो डायग्राम दिया हुआ है उसको अच्छे से बनाते हैं। ये देखिए, इस पॉइंट का नाम है ए, ये है ओ, इट इज सी, इट इज ई, इट इज डी, इट इज बी, और दो लाइनें हैं ए बी और सी डी, ऊपर कट कर रही है ए बी और सी डी, और आपको एंगल ए ओ सी और बी ओ ई का सम दिया हुआ है 70 डिग्री और एंगल बी ओ डी दिया हुआ है 40 डिग्री, ठीक है। आपको एंगल बी ओ ई और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई का, चलिए फिगर में जरा स्टडी कर लेते हैं ये सारे एंगल कहां कहां है। देखिए AOC और BOE का सम, ये रहा AOC और ये रहा BOE, इन दोनों एंगल्स का सम दिया हुआ है, ठीक है। BOD 40 दिया हुआ है, जरा ढूंढिए BOD कहां है, ये रहा BOD, ये देखिए। अब बताइए एंगल BOD कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का। तो बताइए साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो एंगल BOD होगा वही एंगल AOC होगा और ये दोनों एक दूसरे के इसलिए इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इन्हें बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो क्या लिखूं, एंगल बी ओ डी एंगल ए ओ सी के इक्वल होगा, दोनों का आंसर 40 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखा आपने कितनी सारी चीजें, कौन कौन से दो एंगल इक्वल है, उनका आंसर क्या है, उनका रीजन क्या है, तीनों बातें एक ही लाइन के अंदर कंप्लीट। BOD पीछे के एंगल AOC के इक्वल होगा, दोनों का आंसर 40 होगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, अगर मैं इस AOC को आंसर यहां पुट कर दूं तो मेरे पास BOE आ जाएगा, तो मैं लिखूंगा आल्सो गिवन। देखिए जो मैं करा रहा हूं ना, इसके और अल्टरनेटिंग मेथड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जब आपको समझ में आ जाए तो आप कोई और मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOE, इन दोनों का सम होगा 70, ये बात क्वेश्चन में गिवन है, और AOC का आंसर मेरा क्या आया 40, तो मैं इसकी जगह लिख रहा हूं 40 डिग्री प्लस BOE और इक्वल कितना 70, इस 40 को मैं उधर ले जाऊंगा तो BOE की वैल्यू हो गई 70 माइनस 40 कितना 30, तो ये एंगल मेरे पास 40 डिग्री आ गया और ये एंगल मेरे पास कितने डिग्री आ गया 30 डिग्री आ गया, ठीक। ये आपको नहीं लिखना है फिगर में, फिगर में तो आपको केवल ये एंगल लिखना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा कि ये 40 तो ये भी 40 और इन दोनों का सम 70 है तो BOE की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। अब जरा देखते हैं उसने कौन सा एंगल पूछा, BOE, तो BOE तो आप निकाल चुके तो आपका एक आंसर आ गया, ये लीजिए BOE उसने आपसे पूछा था, BOE आ गया। अब पूछ रहा है COE का रिफ्लेक्स, जरा देखते हैं COE कहां, ये रहा COE, तो ये एंगल जब तक नहीं पता चलेगा तब तक हम इसका रिफ्लेक्स नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो जब भी कोई किसी का रिफ्लेक्स पूछे तो उस एंगल को पहले निकालना पड़ता है। अब बताइए क्या इन तीनों का सम 180 नहीं होगा, क्या ये तीनों के तीनों लीनियर एंगल्स नहीं है, एक ही पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं, तो तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो क्या लिखूं, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस तीसरा एंगल BOE, बोलिए तीनों का सम कितना 180। क्या लिखूं, सम ऑफ एंगल्स एट ए पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन, देखो ध्यान से, सम ऑफ द एंगल्स एट ए पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन, ये देखिए। तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी है 40, इसका आंसर हमें मालूम नहीं है और इसका आंसर कितने डिग्री निकाला हमें 30 और इन तीनों का सम 180, तो COE और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 70 और ये उधर जाकर माइनस हो गया
तो बताइए COE की वैल्यू कितनी हो गई 110, ठीक है। 180 में से 70 माइनस कर दिया। अब मुझे इसका रिफ्लेक्स निकालना है, तो जब भी आपको किसी का रिफ्लेक्स निकालना हो, रिफ्लेक्स एंगल COE क्या करते हैं जानते हैं, 360 में से उस एंगल को माइनस कर देते। जब भी आपको किसी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो तो 360 डिग्री में से उस एंगल को क्या कर दो, माइनस कर, ठीक। तो बताइए 360 में से जब आप COE को माइनस कर देंगे, ये देखिए 052, तो आपका आंसर आ गया 250। जब भी आपको किसी का सिर्फ रिफ्लेक्स निकालना हो तो 360 में से उस एंगल को माइनस कर दीजिए, तो आपका रिफ्लेक्स निकल आएगा। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक बार फिगर को देखकर आप रिविजन कर सकते हैं। ये 40 था, इसका वर्टिकली अपोजिट 40 हो गया। इन दोनों का सम 70 था, तो 40 पुट किया तो इसका आंसर 30 डिग्री आ गया, ठीक है, एक आंसर आ गया। तीनों का सम 180 किया तो ये बीच वाला एंगल आ गया, और इसका रिफ्लेक्स निकालने के लिए इसी को 360 में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो आंसर आ गया 250, ठीक है। समझ में आया, खूब बढ़िया क्वेश्चन है, खूब अच्छा है, और भी आसान मेथड हो सकते हैं, लेकिन हमें तो सबसे अच्छा यही लगा, हमने आपको करा दिया। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन को डायग्राम अच्छे से बनाते हैं, सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या लिखा होता है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ज्योमेट्री है, हम लोग इस तरह से आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिससे आपके समझ में बढ़िया आए, आपको चैप्टर बोझ ना लगे, आपको पढ़ने में मजा आए, ठीक है। ये ओ पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसका नाम ए है, और ये 90 डिग्री का साइन लगा हुआ है, परपेंडिकुलर दे रखा हुआ जरूर। ये P है, O है, ये Y है, ये M है, ये X है, और इसका नाम M है। अब देखिए ये एंगल POY 90 डिग्री दिया हुआ है। चलिए A रेशो B बताइए, सेकंड क्वेश्चन में A रेशो B कितना दिया हुआ है, 2:3, और किसका आंसर पूछ रहा है वो, C का आंसर पूछ रहा है, ठीक है। चलिए A रेशो B, तो जब भी किसी के साथ रेशो दे रखा होता है तो उस रेशो को हटा देंगे, तो A की वैल्यू हो गई 2x और B की वैल्यू हो गई 3x, तो A का आंसर पता चल गया B का, और ये तीसरा एंगल चेक करिए इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। देखिए एक ही पॉइंट पर तीन तीन एंगल बने और तीनों का सम 180, तो क्या लिखूं, सो B प्लस A प्लस POY इक्वल 180, क्या रीजन आएगा ब्रैकेट में, ये रहा रीजन, ठीक। क्या लिखूं, सम ऑफ एंगल्स एट ए पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन, रटना नहीं है, सम ऑफ द एंगल्स एट ए पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन। तो चलिए बी की वैल्यू बताइए कितनी, 3x, ए का आंसर कितना 2x, और POY की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 90, ठीक। तो ये हो गया 5x, इस 90 को उधर ले जाओ, ये 180 में से 90 उधर जाकर माइनस का हो गया, जब साइड चेंज होती है तो साइन भी चेंज होता है, तो 5x की वैल्यू 90 आ गई, और x का आंसर आ गया 90/5, वैल्यू पुट करके 18 आ गया, काट के 18 आ गया, ठीक है। 5 × 5 = 5, 4 × 5 = 40, ये किसका आंसर आया, x का। तो बताइए जब x की वैल्यू पता चल गई तो a का आंसर निकालने के लिए क्या करें, 2 × 18, देखा आपने x की जगह मैंने 18 पुट कर दिया, तो 2 × 18, ऐसे ही b का आंसर निकालते हैं, बोलो क्या, 3x, तो 3 × 18। अब a भी आ गया और b भी आ गया, ठीक, लेकिन उसने आपसे कौन सा एंगल पूछा, c। अब जरा फिर से डायग्राम की हेल्प लीजिए और दिमाग लगाइए कि आप कैसे c का आंसर निकाल सकते हैं, सोचिए। देखिए ये इन दोनों एंगल्स को ध्यान से देखिए, ये दोनों एंगल b और c, ये देखिए ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, ठीक, और स्ट्रेट लाइन पर जब भी एक ही पॉइंट पर दो एंगल बनते हैं उनको लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। तो बोलिए बी और सी का सम क्या होगा, 180, तो क्या लिखूं, यहां लिख देता हूं बी प्लस सी इक्वल्स 180 डिग्री, और ब्रैकेट में इसका रीजन आएगा लीनियर पेयर। बताइए बी प्लस सी में बी की वैल्यू कितने डिग्री है, 54, इस 54 को उधर जाकर माइनस कर दीजिए, 180 माइनस 54, देखो अभी भी आपने बी का आंसर 54 निकाला, और बी और सी लीनियर पेयर है, तो बताइए सी का आंसर क्या आ गया, 10 में से 4 गया 6 और 7 में से 5 गया 2, और ये 126 आपका आंसर आ गया, ठीक है।
ठीक है। फिर से एक बार डायग्राम को देखते हैं, ए और बी का रेशियो दे रखा था हमने दोनों के साथ एक्स मान लिया, तीनों के तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पर बने हैं तो तीनों का सम एक ही पॉइंट पर बनने के कारण 180 डिग्री होगा। वैल्यू पुट करिए ठीक ठीक करके एक्स का आंसर निकाला, एक्स के आंसर को यहाँ पुट किया, ए और बी आ गया। लेकिन उसने सी पूछा, जरा देखिए बी और सी में रिलेशन लीनियर पेयर का है तो इन दोनों का सम 180 कर दिया, बस ब्रैकेट में लिखेंगे लीनियर पेयर। ठीक है चले आगे, खूब अच्छे से दो क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया आराम से, अच्छे क्वेश्चन थे, सब कुछ समझ में आना चाहिए आपको। अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन काफी टीचर्स अपने पेपर में जरूर देते हैं, खूब अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप थोड़ा सा धीरे धीरे क्वेश्चंस की वैरायटी चेंज होती जा रही है, आइए थर्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, डायग्राम बनाते हैं, क्या लिखा हुआ है डायग्राम में। आज हम इसके चार क्वेश्चन करेंगे ठीक है, जिससे थोड़ा सा काम होगा और जल्दी होगा और अच्छा होगा, तो ये चार क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे। दोनों क्वेश्चन अब जो हम करने जा रहे हैं बहुत अच्छे हैं। देखिए एंगल पी क्यू आर, एंगल पी आर क्यू के इक्वल है, जरा पी क्यू आर ढूंढिए कहाँ है, ये एंगल पी आर क्यू के इक्वल है, इसका नंबर वन डाल देते हैं, इसका टू, यानी कि ये एंगल वन एंगल टू के इक्वल है, ये बात क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है कह रहा है कि पी क्यू एस और पी आर टी को इक्वल दिखाओ, PQS कौन सा एंगल है, ये रहा, और PRD रहा, ये दोनों इक्वल है और इन दोनों को इक्वल दिखाना है। ठीक, मैं नंबरिंग डाल रहा हूं, इसका नंबर मैं 3 डाल रहा हूं और इसका नंबर मैं 4 डाल रहा हूं। ठीक, अब जरा बताइए 1 और 2 में 3 में क्या रिलेशन है। देखिए 1 2 के इक्वल है और मुझे 3 को किसके इक्वल दिखाना है, 4 के, चलिए 1 2 के इक्वल है, ये बात क्वेश्चन में गिवन है। अब जरा एंगल 1 और 3 में रिलेशन देखिए, स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है आपको और स्ट्रेट लाइन के किसी पॉइंट पर जब एंगल बनते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। तो बताइए इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। कौन कौन से, 1 और 3, तो क्या लिखूं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स 180 डिग्री, ब्रैकेट में लीनियर पेयर, और इक्वेशन नंबर 1 एंगल 1 प्लस एंगल 3 का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ब्रैकेट में लीनियर पेयर, ये देखिए। ठीक है, अब जरा 2 और 4 को देखिए, 2 और 4 को क्या लिखूं, आल्सो एंगल 2 प्लस एंगल 4 का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री, इसके ब्रैकेट में भी क्या लिखूं, लीनियर पेयर, ये देखिए। तो जो सम 1 और 3 का है वही सम 2 प्लस 4 का है, ये दोनों आपस में लीनियर पेयर है, ये दोनों आपस में लीनियर पेयर है। क्या खास बात है इन दोनों इक्वेशंस की, देखिए इन दोनों इक्वेशन में इस इक्वेशन का दोनों एंगल का सम भी 180 है, इनका सम भी कितना है, 180 है। तो जब दो अलग अलग इक्वेशन की राइट हैंड साइड सेम होगी तो ऑटोमेटिकली जब इन दोनों की राइट हैंड साइड सेम है तो ये खुद भी तो आपस में इक्वल होंगे, तो क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, जब दोनों का राइट हैंड साइड पार्ट सेम है तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड पार्ट भी सेम होगा, यानी कि 1 + 3 2 + 4 के इक्वल होगा। ये देखिए, तो जो आंसर 1 + 3 का है वही आंसर 2 + 4 का है। ठीक, अब बताइए एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के, इसका नाम मैंने 1 लिया हुआ है, इसका नाम 2, तो मैं 1 की जगह क्या लिखा हूं, देखिए, और एंगल 1 की जगह एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 2 प्लस एंगल 4, यहां मैं लिख दूंगा कि एंगल 1 2 के इक्वल है, ये बात क्वेश्चन में गिवन है, मैंने 1 की जगह 2 लिख दिया, आपकी मर्जी है आप 2 की जगह 1 लिख सकते हो, तो एक चेंज कर दीजिए या तो इसको या इसको, तो चलिए 1 की जगह 2 लिख दिया, हम बताइए 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बताइए क्या लिखूं, एंगल 3 किसके इक्वल आ गया, एंगल 4 के, दोनों इक्वेशन का आंसर सेम था, तो जब दोनों की राइट हैंड साइड सेम होगी तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी। ठीक, तो 1 + 3 2 + 4 के इक्वल हो गया, 1 की जगह 2 लिख दिया, ये देखो 1 की जगह 2 लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बताओ 3 किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल। ठीक, अब जरा 3 का नाम पढ़ना क्वेश्चन में, एंगल 3 क्यू पॉइंट पे बना है, पी क्यू एस, तो 3 का असली नाम हो गया एंगल पी क्यू एस, और 4 का नाम क्या हो गया, 4 का नाम पढ़ो एंगल पी आर टी, तो देखो 4 का नाम हो गया एंगल पी आर टी, मुझे लगता है शायद प्रूव हो गया, देखिए
ये दोनों एंगल इक्वल थे और इन दोनों एक्सटीरियर एंगल को इक्वल दिखाना था। बोलिए समझ में आया कि नहीं? ठीक है चले आगे। ये दोनों लीनियर पे, ये दोनों लीनियर पे, दोनों का आंसर सेम, इसलिए दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, लेकिन 1 इक्वल है 2 के, जैसे ही मैंने 1 को 2 से रिप्लेस किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 4 के इक्वल आ गया, आपका आंसर हो गया। अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा तभी अच्छे से समझ में आएगा। बार बार प्रैक्टिस करने से ना क्वेश्चन का मैप दिमाग में बन जाता है, फिर जब एग्जाम का टाइम आने वाला होता है तो टेंशन कम हो जाती है, क्योंकि पहले हमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आज 4 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, 3 हम कर चुके, एक और करते हैं जिससे थोड़ा थोड़ा काम आगे बढ़ाते हैं। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर मैं कल ही आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे का काम कराऊंगा। मैं पहले इसका डायग्राम बना लूं, ये एक्स, इसका नाम वाई, ये जेड, और इस पॉइंट का नाम ओ है, ये डब्ल्यू, इसका नाम ए, ये बी, ये सी और ये डी। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इफ एक्स प्लस वाई इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है? एओबी स्ट्रेट लाइन होगी, जरा देखते हैं ये एओबी है कहां, ये इस एओबी को स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना है। चलिए अब जरा इसका उल्टा सोचते हैं, सोचिए अगर ये एओबी स्ट्रेट लाइन होती, अगर एओबी स्ट्रेट लाइन होती बताइए, तो आप x और y का क्या नाम कहते? आप कहते x और y लीनियर पेयर होंगे, और लीनियर पेयर का सम कितना होता है? हमेशा हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक, या w + z का सम क्या होता है? 180। लेकिन लेकिन ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, इसलिए इन दोनों का सम 180 नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, तो इसका मतलब अब उल्टा हो गया थ्योरम का, कि ये लाइन क्या हो जाएगी? ये लाइन स्ट्रेट। सोच के देखिए, अगर ये स्ट्रेट लाइन गिवन होती तो ये लीनियर पेयर से 180 होते, अगर मैं किसी तरह इन दोनों का सम 180 ला दूं तो ये लीनियर पेयर हो जाएंगे। थ्योरम उल्टा यूज होगी, इन दोनों का सम 180 होने की वजह से ये लाइन कैसी हो जाएगी? स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है, इसको स्ट्रेट लाइन प्रूफ करते हैं। चलिए फिलहाल तो ये बताइए, इस ओ पॉइंट पर कितने एंगल बने, काउंट करते हैं, एक्स बनाया, वाई बनाया, डब्ल्यू बनाया, जेड बनाया, बताइए इन चारों का सम इस अकेले सिंगल पॉइंट पर कितने डिग्री होगा? 360 डिग्री होगा। क्यों? इसका क्या इसका रीजन होगा? कंप्लीट एंगल आपने नाम सुना होगा। तो क्या लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं इन फिगर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, चारों का सम 360 डिग्री, ब्रैकेट में कंप्लीट एंगल। x प्लस वाई और w प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, देखिए चारों का सम कितना? 360 कंप्लीट। ठीक, अब जरा देखना x प्लस वाई की जगह क्या दे रखा है? w प्लस जेड, या w प्लस जेड की जगह क्या दे रखा है? x प्लस वाई। तो मैं क्या करूंगा, x प्लस वाई, w प्लस जेड की जगह भी मैं क्या लिख दूंगा? x प्लस वाई। आपकी मर्जी है, x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड लिख दो, आपकी मर्जी है w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख दो, ये बात क्वेश्चन में गिवन है, तो मैंने पहले में लिख दिया गिवन। बताइए कितने x हो गए? 2x, और y भी कितने हो गए? 2y। क्वेश्चन कहां से शुरू किया? चारों का सम 360 डिग्री करके कंप्लीट एंगल से शुरू किया। बार बार प्रैक्टिस करने से कोई चीज याद रहेगी। 2 कॉमन ले लेते हैं, बताइए x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 360 डिग्री। अब जरा 2 को डिवाइड में ले जाइए, तो बताइए 360 के नीचे जब 2 आएगा तो कितनी वैल्यू आ गई? 180। अच्छा जरा देखना किस किस का सम 180 आया, x और y का सम 180 आया। बताइए जब इन दोनों का सम 180 डिग्री आया, तो इसका मतलब ये जिस पॉइंट पर और वो पॉइंट जिस लाइन पर बना है वो ऐसी ऐसी लाइन नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन है। देखो क्वेश्चन में कहा शो दैट AOB इज अ लाइन, तो जैसे ही x और y का सम 180 आया मैं लिखूंगा सो AOB is a straight line। बताइए अगर ये क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन होती आप कहते हैं इनका सम 180 लीनियर पेयर, लेकिन आपने कहीं नहीं कहा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, आपको तो कुछ पता ही नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, तो आपने किसी तरह क्या प्रूफ कर दिया कि इस स्ट्रेट लाइन के किसी पॉइंट पर जो एंगल बन रहे हैं उनका सम 180 अपने आप आ गया, अपने आप। तो जब किसी पॉइंट पर दो एंगल का सम 180 डिग्री आ जाए और उस पॉइंट से कोई लाइन पास होकर जाए
तो बताइए उस लाइन का स्थान नाम क्या होगा, जैसे लाइन स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो ए ओ बी को आपने प्रूव करके दिखाया स्ट्रेट लाइन। उल्टा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, खूब एग्जाम में आता है, खूब टीचर्स देते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आज हमने आपको इस वीडियो में चार क्वेश्चंस कराए हैं, आप इन चारों की अच्छे से प्रैक्टिस करिए और प्रॉमिस करिए कि एक से ज्यादा बार करेंगे, जिससे ये क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाए और आपको खूब अच्छे से ज्योमेट्री पढ़ने में मजा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल नई वीडियो में हम नए क्वेश्चंस लेकर आएंगे, अभी आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, जो थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं अपडेट हो जाइए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू।